सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल कायाकृति को और लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल बटन को दबाइए। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ स्ट्रॉबेरी का फेस सीरम शेयर कर रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। स्ट्रॉबेरी अक्सर हम घर पे खाने के लिए लाते ही हैं। ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है और खाने में भी टेस्टी लगता है, लेकिन स्ट्रॉबेरी हमारे हेल्थ के साथ साथ हमारे स्किन के लिए भी अच्छा होता है। अगर आप स्ट्रॉबेरी का फेस सीरम बनाकर इसे अपने चेहरे पे लगाते हैं तो ये आपके चेहरे से सनबर्न और सनटैन को ठीक करता है, एजिंग इफेक्ट को कम करता है। अगर आपका चेहरा बहुत ज़्यादा डल या बेजान लगने लगा है तो आपके चेहरे पे एक साइन लेके आएगा, एक चमक लेके आएगा। अगर आपको डार्क सर्कल की समस्या हो गई है तो स्ट्रॉबेरी के फेस सीरम से आप अपने आईज एरिया पे हल्के हाथ से मसाज करिए। ऐसा करने से ही आपको डार्क सर्कल की समस्या से भी आपको राहत पहुंचाएगा। तो चलिए देखते हैं स्ट्रॉबेरी के फेस सीरम को बनाना कैसे है और इसे अपने चेहरे पे यूज कैसे करना है। स्ट्रॉबेरी का फेस क्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए 3 से 4 स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को हम 2 से 3 पानी अच्छे तरीके से धो लेंगे ताकि इसके ऊपर जो भी धूल मिट्टी गंदगी होगा वो साफ हो जाएगा। इसके बाद एक ग्रेटर की मदद से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। हमें स्ट्रॉबेरी का जूस चाहिए। आप चाहे तो इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हैं इसका जूस निकाल सकते हैं। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी में होता है ढेर सारा विटामिन और मिनरल्स जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन स्ट्रॉबेरी हमारे हेल्थ के साथ साथ हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए ये हमारे चेहरे से दाग धब्बे को दूर करता है, झाइयों के निशान को हटाता है और हमारे स्किन के कलर को टोन करता है। स्ट्रॉबेरी एंटीऑक्सीडेंट का भी बहुत अच्छा स्रोत है जिसके कारण ये एजिंग इफेक्ट को डिले करता है, हमारे स्किन को टाइट करता है। स्ट्रॉबेरी में एलर्जिक एसिड पाया जाता है जिसके कारण धूप के कारण अगर आपको सनबर्न या सनटैन की समस्या हो गया है तो उसको भी ठीक करता है। स्ट्रॉबेरी के पल्प को अगर आप अपने आईज एरिया के आसपास लगाते हैं तो यह डार्क सर्कल की समस्या से भी राहत पहुंचाता है। डेड स्किन की समस्या होने पे भी स्ट्रॉबेरी के पल्प को अगर फेस पे लगाया जाता है तो यह डेड सेल को भी रिपेयर करता है और नए सेल को बनने में हेल्प करता है। इसके बाद एक स्ट्रेनर से छानकर हम इसका सारा जूस निकाल लेंगे। तो स्पून से दबाते हुए आप इसका सारा जूस निकाल ले। आप चाहे तो इसे मलमल के कपड़े से भी छान सकते हैं। दोस्तों, इसको छानने के बाद ये जो पल्प बच जाता है हम इसे फेंकेंगे नहीं, ऐसा फेस पैक फेस स्क्रब के रूप में यूज़ करेंगे। इसके लिए इसमें डालेंगे 1 चम्मच चावल का आटा, पिंच भर हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच शहद और 1 चम्मच दही। दही की जगह पर आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब इन सभी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चेहरे को पहले साफ करेंगे और 1 से 2 मिनट हल्के हाथों से स्क्रब करेंगे, फिर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे और नॉर्मल पानी से धो लेंगे। तो आप फेंके नहीं, यूज़ करें। इस क्रीम को बनाने के लिए खाली बाउल में हम डालेंगे 2 चम्मच स्ट्रॉबेरी का जूस। इसके बाद इसमें मैं डालूंगी बादाम का तेल। बादाम का तेल हम इसमें 1/2 चम्मच डालेंगे। बादाम के तेल में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी पाया जाता है जो कि हमारे स्किन से डैमेज टिश्यू को हील करता है, हमारी रंगत को निखारता है। बादाम के तेल के जगह पे आप इसमें ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हम इसमें 1/2 चम्मच डालेंगे। अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। ग्लिसरीन हमारे स्किन को डीपली क्लीन करता है जिससे पिंपल और एक्ने की समस्या नहीं होती है, हमारे स्किन को बेबी सॉफ्ट बनाता है, हमारी रंगत को निखारता है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हम बाजारी यूज़ करेंगे, घर का यूज़ नहीं करना है। एलोवेरा जेल हमें इसमें इतना यूज़ करना है ताकि ये क्रीम लाइक बन जाए। अभी मैंने 2 चम्मच डाला है, ज़रूरत होगी तो और डालूंगी। एलोवेरा जेल पिंपल और एक्ने आने से रोकता है, सनबर्न सनटैन को ठीक करता है, हमारी रंगत को निखारता है। इसके बाद मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ ईवीएम 400 का कैप्सूल विटामिन ई का जो कि आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये आपकी क्रीम को लंबे समय तक खराब होने से बचाएगा। दूसरा, विटामिन ई कैप्सूल अगर आप अपने चेहरे पर यूज़ करते हैं तो ये हमारे स्किन से दाग धब्बे को दूर करता है, हमारी रंगत को निखारता है, हमारे स्किन को टाइट करता है। तो आप विटामिन ई कैप्सूल का यूज़ ज़रूर करें अपने स्किन के लिए। अब इन सभी को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा रनी है तो मैं इसमें 1 चम्मच और डालूंगी एलोवेरा जेल ताकि ये थोड़ा क्रीम लाइक बन जाए। अब इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। हमारा क्रीम बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए, तो आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें। तो ये देखिए, हमारा क्रीम बन के तैयार हो चुका है।
तो अब इसके गुडनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे एसेंशियल ऑयल। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप जरूर डालें, या जो भी एसेंशियल ऑयल आपको सूट करता है आप इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें टीटी एसेंशियल ऑयल का 6 से 7 बूंद डाल रही हूँ। टीटी एसेंशियल ऑयल आपके स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है, स्किन पे पिंपल और एक्ने आने से रोकता है, और हमारे क्रीम को लंबे समय तक खराब भी नहीं होने देता है। इसमें एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है, तो अब इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा क्रीम बनके तैयार हो चुका है। अब इसे हम फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे। इसके लिए आप एक एयर टाइट कंटेनर में इसे डाल लें और फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। 10 से 15 दिनों के लिए ये खराब नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्रीम को यूज़ कैसे करना है अपने चेहरे पे। तो ये देखिए हमारा सीरम बनके तैयार हो चुका है। तो दोस्तों स्ट्रॉबेरी का फेस सीरम को आपको दिन में 2 बार यूज जरूर करना है, एक बार सुबह नहाने के बाद और दूसरा रात में सोने से पहले। सुबह नहाने के बाद आपको स्ट्रॉबेरी का फेस सीरम थोड़ा सा अपने हाथ पे लेना है, पूरे फेस पे अप्लाई करना है। और हल्के हाथों से मसाज कर लेना है। थोड़ी देर में ये आपके फेस में अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब हो जाएगा। अपने आई एरिया पे जरूर मसाज करें, इससे आपको डार्क सर्कल की समस्या से राहत मिलेगा। अगर आपको डार्क सर्कल नहीं है तब भी इस फेस सीरम से अपने आईज पे मसाज जरूर करें। ऐसा करने से अगर आपको डार्क सर्कल नहीं है तो वो नहीं होगा, और अगर है तो वो ठीक हो जाएगा। इस फेस सीरम का यूज दिन में 2 बार जरूर करिए, एक बार सुबह नहाने के बाद और दूसरा रात में सोने से पहले। सुबह नहाने के बाद इस फेस सीरम को एज ए मॉइस्चराइजर के रूप में अपने चेहरे पे यूज करिए, और इसके बाद जो भी आप मेकअप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और दूसरा रात में सोने से पहले। रात में सोने से पहले आप अपने चेहरे को फेस वॉश से धोकर साफ कर लीजिए, और इस फेस सीरम से अपने पूरे फेस पे आपको 2 मिनट मसाज जरूर करिए। अपने आईज एरिया पे मसाज करिए और फिर ऐसे ही सो जाइए। ऐसा करने से ही आपको डार्क सर्कल की समस्या से राहत पहुंचाएगा। आपके चेहरे पे अगर सनबर्न सन टैन हो गया है या एजिंग इफेक्ट दिखने लगा है, चेहरा बहुत ज्यादा डल या बेजान लगने लगा है, तो इन सभी समस्या से आपको राहत मिल जाएगा और आपके चेहरे पे एक नया निखार लेके आएगा। तो दोस्तों आप इस स्ट्रॉबेरी के फेस सीरम को जरूर बनाइए और इसे अपने चेहरे पे यूज करिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये स्ट्रॉबेरी का फेस सीरम बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते।